नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कोविड स्वास्थ्य सहायक भर्ती 2021 की। जी हाँ दोस्तों, CMHO रतनगढ़ चूरू ने लेटर नंबर 815 के माध्यम से पोस्टिंग देने का काम यहाँ पर कर दिया है। क्या कुछ है पूरी अपडेट इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, 815 नंबर जो आदेश है वो 6 सितंबर 2021 के माध्यम से जारी किया है। इन्होंने कहा कि प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक दिनांक 18 मई 2021, 26 मई 2021 और 8 जून 2021 की पालना में COVID-19 से उत्पन्न वर्तमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने, मरीजों को उपचार उपलब्ध करवाने, मृत्यु दर को न्यूनतम करने, घर घर सर्वे करने, दवाई वितरण कार्य को गति प्रदान करने के लिए चूरू जिले में कोविड स्वास्थ्य सहायकों का चयन और नियोजन किए जाने हेतु न्यूनतम योग्यता सेकेंडरी और एनम प्रशिक्षण उत्तीर्ण RNC में रजिस्ट्रेशन योग्यताधारी अभ्यर्थियों के लिए इस कार्यालय द्वारा एक विज्ञप्ति 238 दिनांक 18 जून 2021 के द्वारा जारी की गई और 19 मई से आप देख सकते हैं 23 जून तक आवेदन आमंत्रित किए। 5:30 बजे तक डाक, कोरियर या व्यक्तिगत रूप से CMHO रतनगढ़ जिला चूरू में आवेदन जो आमंत्रित किए और राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देते हुए निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदनों को कार्यालय स्तर पर गठित कमेटी द्वारा जांच कर और जिला स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा योग्य और पात्र पाए गए चूरू जिले के मूल निवासियों का मनोनयन जो है पूर्णतः मेरिट के आधार पर किया गया है। साथ ही उक्त चयन और नियोजन जो है पूर्णतः अस्थायी आधार पर है अग्रिम आदेशों तक। साथ ही इन्होंने कहा कि जो चयन है वो निम्न शर्तों के अधीन किया गया है। जॉइनिंग करते समय ये शर्तें आपको पूरी करनी है। RNC रजिस्ट्रेशन जो कि अवधि पार हो चुका है को मान्य किया गया है, लेकिन कार्यग्रहण के समय आपको वैलिड और नवीनीकृत जो RNC सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड करवाना होगा। जाति प्रमाण पत्र जिसमें OBC, EWS, MBC को अवधि पार मान्य किया है, लेकिन जॉइनिंग के समय आपको नया यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी कार्य ग्रहण करते समय चूरू जिले का मूल निवास प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा। वे अभ्यर्थी जिन्होंने शैक्षणिक योग्यता जामिया उर्दू अलीगढ़ बोर्ड से प्राप्त की है, उन अभ्यर्थियों का चयन जो है मान्यता संबंधित कारणों से नहीं किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी जो जामिया उर्दू अलीगढ़ मामला है, उन अभ्यर्थियों का यहाँ पर मान्यता को लेकर चयन नहीं किया गया है। विज्ञप्ति में चयन का आधार राज्य सरकार के निर्देशानुसार स्थानीय अभ्यर्थियों को वरीयता देते हुए शैक्षणिक योग्यता का प्रतिशत और तकनीकी योग्यता के प्रतिशत के आधार पर यहाँ पर किया गया है। और उन्होंने कहा कि कोविड स्वास्थ्य सहायक राज्य सरकार के आगामी आदेश और निर्देश तक इनकी जो सेवाएं हैं वो ली जा सकेगी। इनका जो मानदेय 7,900 रुपए यहाँ पर दिया जाएगा। ये जो इनका जो कार्य है कोविड केयर सेंटर, ऑक्सीजन मॉनिटर, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग ड्राइवर, CSC PSC के बारे में, COVID-19 के बारे में जनता की और शहरी क्षेत्र की जो जनता है उनको जागरूक करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जॉइनिंग के समय आपको ये समस्त आप जो फैसिलिटीज है वो आपको प्रोवाइड करवानी होगी। जॉइनिंग के समय कार्यक्रम करते समय शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, जन्म तिथि, सत्यापन हेतु 10वीं की अंक तालिका, प्रमाण पत्र, RNC रजिस्ट्रेशन, अभ्यर्थी के चूरू जिले का मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, संतान संबंधी प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन, चरित्र प्रमाण पत्र, इसके अलावा दस्तावेज फर्जी नहीं होने का शपथ पत्र, स्थान संतान संबंधी शपथ पत्र, विवाह पंजीयन, तंबाकू नहीं करने का शपथ पत्र, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट सहित 15 सितंबर 2021 तक संबंधित BCMO के दिन आपको कार्यग्रहण करवाना अनिवार्य रहेगा। इसके पश्चात आपके कार्यग्रहण पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा CMHO रतनगढ़ चूरू द्वारा के हस्ताक्षर से ये जो लिस्ट है वो यहाँ पर जारी कर दी गई है। दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है, साथ ही प्रतिलिपि दी गई है विभिन्न को आवश्यक कार्रवाई और सूचना। तो CMHO रतनगढ़ जिला चूरू ने यहाँ पर पोस्टिंग देते हुए 15 सितंबर तक ज्वाइनिंग के निर्देश यहाँ पर संबंधित अभ्यर्थी को प्रदान किए गए। साथ ही जो ज्वाइनिंग के समय निर्धारित शर्तें हैं उनका पालन करना अनिवार्य यहाँ पर रहेगा। साथ ही मैं बता दूं जो ये लिस्ट है कोविड स्वास्थ्य सहायक ANM महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की अंतरिम पदस्थापन सूची है, जिसमें अभ्यर्थी का रोल नंबर, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ,
कैटेगरी की किस कैटेगरी में इसका सिलेक्शन किया गया है, कहां उसको किस ग्राम पंचायत पीएससी सीएससी में या वार्ड में पोस्टिंग दी है, उसका जो संपूर्ण जो ब्यौरा है वो यहां पर दिया गया। 15 सितंबर तक संबंधित बीसीएमओ के अधीन आपको ज्वाइन करना होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो पोस्टिंग देने का काम सीएमएचओ रतनगढ़ जिला चुरू ने यहाँ पर कर दिया है और निर्धारित 15 सितंबर तक आपको यहाँ पर ज्वाइन करना होगा। जो निर्धारित शर्तें हैं उनका भी आपको पालन करना होगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपने उस टाइम पुराना प्रस्तुत किया तो ज्वाइनिंग के समय नया जो दस्तावेज है वो आपको प्रस्तुत है यहाँ पर करना होगा। टोटल जो 11 पेजेस की लिस्ट है वो यहाँ पर आउट की गई है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगी, साथ ही आप स्क्रीन को पॉज करके भी अपना नाम यहाँ पर देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है तो आसानी से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं काफी जो कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन यहाँ पर सीएमएचओ रतनगढ़ जिला चुरू ने किया है। करीब 250 से ऊपर ऐसे कैंडिडेट हैं सीएचए एनएम में जिनका यहाँ पर चयन किया गया है। सभी चयनित अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं बता दूं टोटल 304 जो अभ्यर्थी है उनका यहाँ पर चयन किया गया है सीएमएचओ रतनगढ़ जिला चुरू ने। साथ ही मैं बता दूं जो लिस्ट है सीएमएचओ रतनगढ़ के हस्ताक्षर से यहाँ पर जारी की गई है। एक बार मैं फिर से धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन के माध्यम से ये लिस्ट आपको दिखला देता हूँ, आप आसानी से इस लिस्ट को देख सकते हैं। तो दोस्तों धीरे धीरे मैं इस लिस्ट को ड्रॉप डाउन मेन्यू से धीरे धीरे आपको शो कर रहा हूँ, आप आसानी से देख सकते हैं कि आपका नाम। सभी जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ के यूट्यूब चैनल की ओर से। आप 15 सितंबर 2021 तक ज्वाइन कर सकते हैं, संबंधित बीसीएमओ के दिन आपको ज्वाइन करना है। 15 सितंबर के बाद में किसी भी अभ्यर्थी की ज्वाइनिंग पर कोई विचार यहाँ पर नहीं किया जाएगा। साथ ही मैं बता दूं जो मानदेय है वो 7,900 रुपए आपको दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई आपको जो वेतन भत्ता है वो यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। अग्रिम जो आदेश है चिकित्सा विभाग के तब तक आपकी सेवाएं ली जाएगी। अगर जो टाइम पीरियड 31 अक्टूबर तक एक्सटेंड किया है उसके बाद भी अभी एक्सटेंड होता है तो आपकी सेवाएं उसके बाद भी ली जा सकती है। तो दोस्तों 304 जो अभ्यर्थी हैं उनको पोस्टिंग देने का काम सीएमएचओ रतनगढ़ जिला चुरू ने यहां पर कर दिया है। संबंधित जो पहले सो पोस्टिंग है पीओपी है वो भी यहाँ पर आवंटित कर दी गई है संबंधित अभ्यर्थियों को। तो दोस्तों 304 जो अभ्यर्थी है उनको पोस्टिंग देने का काम ग्राम पंचायत पीएससी सीएससी लेवल पर यहाँ पर किया गया। आप देख सकते हैं कैटेगरी किस कैटेगरी में अलॉट किया गया, कौन सी ग्राम पंचायत यहाँ पर दी गई है, समस्त जो विवरण है वो यहाँ पर दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। साथ ही मैं बता दूं सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।